हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उस्मा किचन्स। आज हम बनाएंगे मसूर की दाल गोश्त, और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी, और स्पेशली ये यूपी में शादियों में ज़रूर बनता है ये। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सामान लिया है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो गोश्त, आधा किलो मैंने मटन लिया है यहाँ पर, और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ मैंने 2 कप मसूर की दाल ली और मैंने इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैंने करीब 4 बड़े साइज़ के टमाटर काट लिए हैं, और थोड़े से धनिया के पत्ते मैंने धो के यहाँ पे काट लिए हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। यहाँ मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है। यहाँ पर 4-5 हरी मिर्चें काट ली हैं। 1 चम्मच ज़ीरा लिया है। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान ले लिया है, और अब चलिए पकाते हैं इसको। पकाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लिया है, और यहाँ मैंने गैस ऑन कर दिया है। इस पर डाला है, इसमें डाला है 1 कटोरी तेल। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो मैंने इसमें प्याज को ऐड कर दिया, और प्याज को थोड़ा अच्छे से पकने देंगे। यहाँ पे प्याज अच्छे से पक रही है। और बस प्याज को अच्छे से पकने के बाद हम इसमें 2 तेज़पत्ते डाल देंगे, 2 तेज़पत्ते, 2 काली इलायची। तो ये हमने दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर दी, और इसको थोड़ा सा सॉटे होने देंगे। और हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। तो हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और हरी मिर्चें। तो ज़ीरा और हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी, और इसको भी अच्छे से पकने देंगे तेल में। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे गोश्त। तो इसमें हम मटन ऐड कर देंगे। मटन को मैंने पहले से अच्छे से वॉश कर लिया था, और इसको चला चला के करीब 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, और अच्छी तरीके से 5 मिनट तक मटन को इसमें पकाना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 मिनट के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब इसको थोड़ा चला देंगे। और थोड़ा सा मैंने खंगाल के पानी इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक के पेस्ट का कटोरी से, और इसको अब चला देंगे अच्छे से। और अब इसमें हम डालेंगे बाकी के मसाले। 1 चम्मच नमक डाल दिया मैंने इसमें, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है, और इसको अब चला देंगे अच्छे से। और बस चलाने के बाद हम इसमें यहाँ पे हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया, और अब इसको चला देंगे अच्छे से। और सारे मसाले इसमें अच्छे से भून लेने हैं, ताकि इसमें कोई भी मसाला कच्चा ना रहे। अब ऊपर से ढक्कन ढक देंगे ऐसे, और इसको अच्छे से भूनने देंगे। ढक्कन ढक दिया मैंने इसमें ऐसे, और फ्लेम को कर देंगे मीडियम। तो मैंने सारे मसालों को करीब 5 मिनट तक भून लिया है, और इसमें कोई भी मसाला कच्चा नहीं है, और तेल भी सेपरेट हो गया है। तो सब मसाले अच्छे से भून गए हैं, और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर से दाल गोश्त का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है, इसमें टमाटर ज़रूर ऐड करें। तो मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए, और अब इसको मिला देंगे अच्छे से। तो बस यहाँ पे टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा टमाटर को भी इसमें अच्छे से पका लेंगे, ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए इसमें।
और अब इसमें हम डाल देंगे एक गिलास पानी। पानी डालने के बाद इसको एक बार और चला लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सीटी। तो मैंने कुकर का ढक्कन सही से बंद करके इसमें करीब 4-5 सीटी लगा लेंगे ताकि जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे गोश्त हमारा गल रहा है और अब उसके बाद हम यहाँ पे प्रेशर इसका रिलीज़ कर रहे हैं 5 सीटी के बाद, और अब चेक करते हैं कि हमारा इसमें गोश्त अच्छे से गला है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा जो गोश्त है यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं और ये गोश्त हमारा यहाँ पे अच्छे से गल गया है, मैंने इसमें चेक कर लिया है। और यहाँ पे तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से चला दिया है। चलाने के बाद हम इसमें अब ऐड कर देंगे दाल। दाल को यहाँ मैंने पहले से ही धो के रखा है अच्छे से, और यहाँ पे हम दाल ऐड कर देंगे। मसूर की दाल गोश्त के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी। तो मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है मसूर की, और एक बार इसको चला देंगे। तो यहाँ मैंने इसको चला दिया है। चलाने के बाद यहाँ पे नमक कुछ कम लग रहा है तो मैंने यहाँ पे नमक एक चम्मच और डाल दिया है। नमक आप एक बार ज़रूर टेस्ट कर लें उसके बाद ही नमक इसमें ऐड करें, अगर कम लगे तो डालें नहीं तो नहीं डालें। तो मैंने इसमें एक चम्मच नमक और ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसमें हम सीटी और लगानी है ताकि जो दाल हमने इसमें डाली है वो इसमें अच्छे से गल जाए। तो मैंने इसमें एक गिलास पानी और ऐड कर दिया है और अब हम इसमें लगा लेंगे सीटी। सीटी हम सिर्फ 3 से 4 सीटी लगा लेंगे ताकि दाल इसमें अच्छे से गल जाए और गोश्त भी अगर थोड़ा सा रह गया हो तो वो भी अच्छे से गल जाए। 3 से 4 सीटी के बाद मैं इसका प्रेशर रिलीज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और अब हम चेक करते हैं हमारी दाल इसमें अच्छे से गली है कि नहीं। तो ये देखिए दाल गोश्त हमारा दोनों ही चीज़ें अच्छे से गल गई है, दाल भी और गोश्त भी। तो ये देखिए दाल हमारी इतनी ही गली होना चाहिए तभी दाल गोश्त अच्छी तरीके से बनता है। मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी इसमें और ऐड कर दिया है और अब इसमें एक खौलाने देंगे और उसके बाद हम डाल देंगे धनिया के पत्ते, और हमारा यहाँ पे दाल गोश्त बनके तैयार हो गया है। तो इसमें खौल भी आ गई है आप देख सकते हैं, और मैं इसमें धनिया के पत्ते ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने धनिया के पत्ते भी ऐड कर दिए हैं और हमारी दाल एकदम तैयार हो गई है, दाल गोश्त हमारा बनके। और इसको हम कर लेंगे सर्व। तो बस यहाँ हम सर्विंग के लिए तैयार है दाल गोश्त, और फ्लेम को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है और मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये देखिए दाल गोश्त हम निकाल रहे हैं सर्विंग के लिए, और ये बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।